Hello friends, I am Santosh and I welcome you to King in Kitchen. In my last video, I showed you how to make paneer at home, that too very soft one and very fresh. Now what to do with the paneer? So we'll use that to make another recipe. So today I am going to show you how to make cabbage and paneer paratha. Kindly watch my entire video because I will be also sharing some very useful tips with you. So don't miss it. तो चलिए हम सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग्स के लिए हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल, फिर हम डालेंगे एक टीस्पून जीरा, फिर डालेंगे बारीकी से कटे हुए अदरक और हरी मिर्च, एक मीडियम प्याज बारीकी से काटे हुए, नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसे अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे। जब का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, ये ब्राउन होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ कैबेज। फिर इसमें डालेंगे एक टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक यूजफुल टिप शेयर करता हूँ। हम जब भी कैबेज पराठा बनाएंगे, हमें कैबेज ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक सॉटे करना है। अगर हम कैबेज ज़्यादा पकाएंगे तो वो पानी छोड़ देगा और आपका पराठा स्टिकी हो जाएगा और तवा में चिपक जाएगा। हम डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, फिर हम ऐड करेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर। तो दोस्तों, पनीर का वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो ऊपर दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। पनीर ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चलिए अब हम पराठा बनाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही आटा गूंथ के रख लिया है। मैं यहाँ पे रागी का आटा और गेहूं का आटा यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ इक्वल क्वांटिटी रागी आटा और गेहूं का आटा लिया है। इसे हमें बेलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग्स। स्टफिंग्स डालने के बाद हम इसे थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे ताकि जब हम बेलेंगे तो ये स्टफिंग अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। अब हमें चारों साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते वक्त थोड़ा सा ऑयल भी अप्लाई करेंगे ताकि जब हम इसे फिर से बेलेंगे तो इसका जो फोल्ड है वो खुल ना जाए। हमने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे हल्की हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए और स्टफिंग्स भी अच्छी तरह फैल जाए। अभी हमें इसे अच्छी तरह बेल लेना है। तो हम इसमें थोड़ा आटा अप्लाई करेंगे और फिर एक बेलन से अच्छी तरह बेल लेंगे एक स्क्वायर के आकार में। दोस्तों, पराठा बेलते वक्त आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्टफिंग्स जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते कि कितना अच्छा शेप आ गया है, एकदम स्क्वायर शेप आ गया है। आप चाहे तो इसे केवल गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं हेल्दी डिश प्रेफर करता हूँ इसलिए मैंने रागी भी मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे तुरंत सेक लेना है। तो एक तवा गर्म करके हम इसे सेकने के लिए डाल देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे एक साइड सेक लेंगे, फिर हम इसे पलट के दूसरी साइड भी अच्छी तरह पका लेंगे।
जब ये आधा पक जाए तब हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। इस तरह हम दोनों साइड अच्छी तरह पका लेना है ऑयल डाल के। तो फ्रेंड्स मैं बोल रहा था कि जब आप अगर आप रागी आटा का यूज़ करेंगे तो आपको स्टफिंग्स डालने के बाद आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा और आपका पराठा जो स्टिकी हो जाएगा और तवा में चिपक जाएगा। तो आप जब भी रागे की आटे के साथ जो भी पराठा बनाएंगे, आपको पराठा बनाने के बाद तुरंत उसे सेक लेना है। अगर आप उसे थोड़ी देर रखेंगे तो वो पानी हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा कैबेज पनीर पराठा बनके रेडी हो गया है। आप इसे दही और अचार के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा रेसिपी बहुत ही पसंद आया दोस्तों। थैंक यू।